हाजीपुर ने रामबिलास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड तक पहुंचाया। चिराग के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई थी यह सीट। 8 बार यहां से सांसद रहे उनके पिता। हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट है। इस सीट को लेकर चाचा पारस से भी तनातनी बनी हुई थी, लेकिन एनडीए में यह सीट लोजपा आर यानी चिराग के खाते में गई। दरअसल हाजीपुर से उनके पिता रामबिलास पासवान 8 बार सांसद रहे। इस सीट की वजह से रामबिलास की चर्चा पूरे देश में हुई। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया। 1977 में 4.24 लाख वोट से जीत हुई थी। वोट प्रतिशत 89.3% था, जो अब तक सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। 2019 में उन्होंने यह सीट भाई पशुपति पारस को देकर जीत दर्ज कराई थी। आपको बता दें चले, हाजीपुर लोकसभा सीट की इस बार भी गिनती वीआईपी सीट में हो सकती है। सिर्फ 2 बार रामबिलास की यहां से हार हुई थी। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से रामबिलास पासवान की मात्र 2 बार हार हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में और 2009 में उनकी हार हुई थी। इसके अलावा 1977 से लेकर 2019 तक रामबिलास पासवान परिवार के कब्जे में यह सीट रही। हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एसपी श्रेणी की यह सीट है। यहाँ की साक्षरता दर आपको बता दें चले 55.13% है। एससी मतदाताओं की संख्या लगभग बहुत ज्यादा यहाँ पर बताई जा रही है। तो आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर शहरी मतदाता लगभग 1,74,420 है। हाजीपुर ने रामबिलास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड तक पहुंचाया। चिराग के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई थी यह सीट। 8 बार यहाँ से वो सांसद उनके पिता रह चुके हैं। उनके पिता लगातार यहाँ से 8 बार सांसद रहे। हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट है। इस सीट को लेकर चाचा पारस से तनातनी हुई थी। लगातार चाचा पारस कह रहे थे कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा और ये सीट मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपको बता दें चले, बीजेपी ने पूरी तरीके से पासा ही पलट दिया। पूरी तरीके से यहां से उनका पत्ता साफ हो गया। लेकिन जो उनकी सीट है, आपको बता दें चले, पशुपति पारस कह रहे थे ये मेरे भाई की सीट थी तो मेरी हुई, लेकिन लगातार चिराग पासवान उसको अपनी सीट का दावा कर रहे थे। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की ये सीट है, इसकी गिनती वीआईपी सीट में भी होती है। सिर्फ 2 बार यहां से रामबिलास पासवान की हार हुई थी, बाकी यहां से उनकी ज्यादातर जीत हुई थी। तो आपको बताते चलें, इस सीट पर अब चिराग पासवान की दावेदारी हो गई है। आपको बता दें ये भी कि चिराग पासवान लगातार इमोशनल भी हुए और उन्होंने कहा है कि लंबे प्रयास के बाद, लंबी मेहनत के बाद, लंबे लड़ाई के बाद हमको यह सीट मिल पाई है। सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर सुर्खियों में आए थे यहाँ पर रामबिलास पासवान। हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एससी श्रेणी की सीट है। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 55.13% है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।